सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका मतलब है जो खा रहे हैं, जो यहाँ खड़े हैं, जो बैठे हैं और जो दिख नहीं रहे, उन लोगों को भी, आत्माओं को भी। ये देश है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता तब मिली जब हजारों माओं ने, माता पिता ने अपने बच्चों को कुर्बानी के लिए भेज दिया, तो स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। और 26 जनवरी क्या है मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद। आनंद, आनंद, 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी अपना देश का मुख्य दिन, देश का ये है। 26 जनवरी क्या है? देश की आज़ादी है। देश का आज़ादी है। 26 जनवरी क्या है? देश की आज़ादी है। 26 जनवरी क्या है? आज़ाद हुआ है, आज़ाद हुआ है, आज़ाद हुआ है। नहीं, मैंने अभी बताया 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी नहीं। 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस, इसका मतलब है संविधान आपको मिला था। संविधान का मतलब है कानून, नियम, आपको अच्छा पानी, अच्छी वायु, अच्छे सरकारी स्कूल, अच्छी सड़कें, अच्छे अस्पताल, अच्छा खाना, खाने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ वो अच्छी हों, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपको नौकरियों की जिम्मेदारी, ये काम है संविधान का। अलावा इसके कि संविधान में देखा जाता है कि अपने बॉर्डर की रक्षा कैसे होगी, हमारे अस्तित्व की, हमारी इज्जत की रक्षा कैसे होगी, ये संविधान है। तो आज आपको पता चला संविधान आज़ादी नहीं, आज़ादी तो 15 अगस्त को मिली थी। तो आज जाकर ज़रा आपके पास, सबके पास मोबाइल है, उसमें पढ़िए कि संविधान, नहीं तो जाकर सबको वो कराओ सब्सक्राइब, जो इधर खड़े हैं, जो इधर खड़े हैं, सबको सब्सक्राइब करा दो, जो बड़े लोग हैं जाओ। कई त्योहार यहाँ पे, कई कई हैं बोलियाँ, जैसे सूरज की किरणों में रंगों वाली टोलियाँ, कई कई त्योहार यहाँ पे, कई कई हैं बोलियाँ, जैसे सूरज की किरणों में रंगों वाली टोलियाँ, गंगा गांधी और गाय है जीवन का आधार, जहाँ कश्मीर से अरुणाचल तक क्या कहे वे भार जहाँ, क्या कहे वे भार जहाँ, ऐसा हिंदुस्तान। Come on,